जय गौ माता की। ये जो आश्रम है यह करीब 350 साल पुराना सेवा केंद्र है। यह समर्थ रामदास जी के परंपरा से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ कई परंपरागत सेवाओं कार्यक्रमों के साथ में जीव सेवा गो सेवा का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंश है जो कई दशकों से चला रहा है। और इस कार्यक्रम को कई अनेकानेक शाखाओं द्वारा इसको परिपूर्ण किया जा रहा है। मूलतया यहाँ जो गौशाला में संख्या है वो करीब करीब 5,500 गऊ वंश की संख्या है। और ये जो यहाँ आती हैं ये मूलतया सामाजिक परीक्षा काल में जो कुपोषित हो जाती हैं, किसान रख नहीं पाते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, पुलिस वर्ग सेफ कस्टडी मांगता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कभी मांगता है, रिसर्च सेंटर रख नहीं पाता है, सेवादा दल बचा कर जब लाता है, तो अनेकानेक परीक्षा काल में यह संपूर्ण संख्या जो जुटाई और रोज़ नित्य कहीं ना कहीं से यह संख्या जुटती रहती है, उसके लिए परिपूर्ण उसके सेवा के लिए जो चाहिए हैं उपचार के लिए, जैसे महत्वपूर्ण अंश होता है कुपोषित में वेटरनरी सेवाएँ, उसके लिए यहाँ एक परमानेंट वेटरनरी केंद्र है जो इनकी दवाई का, इनके आरोग्य का, इनके औषधियों का ध्यान रखता है। साथ ही साथ में यहाँ पर उनके रखरखाव का, पानी का, तीनों मौसम में जैसे हम बोलें कि बारिश बहुत ज़्यादा, धूप या ठंड में, तो उससे सुरक्षित रखने के लिए ये महत्वपूर्ण एक सेवा केंद्र दक्षिण भारत में भाग्यनगर का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं। ऐसा ये सद्गुरु समर्थ नारायण आश्रम कामधेनु गौशाला और ये सेवा कार्यकलाप समूचा कल्पवृक्ष कामधेनु वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। और मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में, आश्रम अधिकारी के रूप में, साथ में समूचे काफ़ी लोग इससे जुड़कर वो प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं। तो आज कहीं जाकर एक छोटा सा ये स्वरूप, हम बोले अगर पूरे भारतवर्ष के कार्यकलाप को लेवे तो 5-10,000 भी संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो एक आशाजनक स्थिति यह है कि सरकार इस तरफ दृष्टि दे रही हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें, यहाँ आज जो नई तेलंगाना सरकार है, आंध्र सरकार है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार मूलतया, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। और अलग जो उनके अपनी मिनिस्ट्री हैं जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बोले, पशु संपदा गौ संपदा इनका रक्षण हो और उससे शायद खेती रक्षित होगी और उससे किसान रक्षित होगा, उससे देश सुरक्षा पाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक समूचा चेन रिएक्शन है। शायद आप बायोडाइवर्स प्रोग्राम के तहत इन कार्यक्रम को जानते हों, जीव सेवा के तहत जानते हों, एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम के तहत जानते हों या लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह जानते हो, नाम कोई भी हो, पर ये इतना बड़ा कार्य समूचा हमारे समाज के लिए, इस पूरे जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह कार्य इस तरीके से श्रम से, प्रभु कृपा से, सभी वॉलंटियर्स रात दिन 24 घंटे भी कम पड़ते हैं इस कार्यकलाप के लिए, तो मैं तो कई बार बोलता हूँ सभा में कि 48 घंटे रात दिन का कार्यकलाप नित्य चल रहा है, तो तब जाकर इसका साक्षात्कार होता है।